जैसे जैसे मैंने भाषण के शुरुआत में बोला, भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की, इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देश द्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज प्लीज एक मिनट, प्लीज प्लीज बैठिए, प्लीज प्लीज बैठिए। अब सवाल उठता है, आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने देश की हत्या की है मणिपुर में, मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है मणिपुर में, मणिपुर के लोगों के दिल में। प्लीज एक मिनट बैठिए आप, एक तो सवाल उठता है, एक मिनट बैठिए, एक मिनट, आप भी विराज, आप भी विराज, आप भी विराज हो, आप भी विराज हो, आप बैठिए, सही नहीं बैठिए, रहने दो, आप चलो, आप बैठिए, बैठिए आप, प्लीज बैठिए आप, प्लीज आप बोल रहे, फिर आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज 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 प्लीज, देखिए माननीय सदस्यगण, प्लीज प्लीज माननीय सदस्यगण, भारत माँ हमारी माँ है, हमें सदन में बोलते समय संयम बरतना चाहिए। मेरा अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं आदर से बोल रहा हूँ, आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे, तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है, हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। तो अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं, तो किसकी आवाज सुनते हैं? दो लोगों की, दो लोगों की आवाज सुनते हैं, किसकी आवाज सुनते हैं? किसकी आवाज सुनते हैं? माननीय सदस्य, इसलिए सुनते हैं। नो नो, एक गलत तरीका, माननीय सदस्य देख लीजिए, अडानी जी के लिए मोदी जी ने क्या काम किया है, देख लीजिए। आप ये पहले आप पोस्टर लेकर आए, गलत तरीका आपका, माननीय सदस्य आपका गलत तरीका है, आप सीनियर सदस्य हैं, आप इस तरीके का व्यवहार सदन में मत करिए, आप बात करिए, लेकिन इस तरीके से पोस्टर लाना ये उचित नहीं है किसी तरीके से। रावण रावण दो लोगों की सुनता था, रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण, वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था,
लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य आप सही है मिक बोले, आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो, आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।